आप लोग सोचते होंगे कि चीन भारत चीन सीमा पर इतना ज्यादा एग्रेशन क्यों दिखा रहा है, क्या इसका कारण केवल सीमा का विषय है? नहीं, इसका बड़ा व्यापक कारण है। चीन जो है वह साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे ताइवान हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्रूनी हुआ, फिलीपींस हुआ, इन सब को संदेश देना चाहता है कि हम जब विशालकाय भारत के साथ एग्रेशन दिखा सकते हैं तो तुमको तो हम अपने पैरों के नीचे मसल देंगे। लेकिन हुआ क्या कि चीन की यह जो गोली उसने फायर की थी एग्रेशन की, यह टकरा कर उसी के ऊपर आ गई है। अब स्थिति यह बन गई कि चीन न निगल सकता है न उगल सकता है, क्योंकि भारत न केवल अपने ग्राउंड पर फॉर्मली खड़ा है बल्कि भारत एग्रेशन शो कर रहा है। अभी अभी हमने हमारी जो नेवल डिप्लॉयमेंट है वह उस क्षेत्र में किए हैं जहां चीन को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, अर्थात साउथ चाइना सी में। जिस प्रकार से हमने क्वाड को, जो हमारे क्वाड का अलायंस है, उसको हम सक्षम बना रहे हैं, जिस प्रकार की संधियां हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, यदि चीन ज्यादा कुछ करता है तो मलक्का स्ट्रेट को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। चीन के पास तेल की सप्लाई समाप्त हो जाएगी और बिना तेल के कोई भी फौज जंग नहीं लड़ सकती। दूसरी बात, चीन भी समझता है कि वो भारत की सेना से लद्दाख वाले एरिया में तो कतई नहीं लड़ सकता है। जहां तक मुझे वर्ष का याद है, वर्ष 2009 में SCO और CSTO की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी, जो पीस नाम से ऑपरेशन करते हैं वह, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसी आर्मी का था तो वह थी पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी का। और इतना खराब प्रदर्शन था कि उन्होंने अपने इक्विपमेंट को ढक दिया था, यहां तक कि जो उनको मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वे जर्नलिस्ट के पास तक नहीं आने दिया था उन्होंने कि कोई किसी प्रकार का उनसे प्रश्न पूछ सके, क्योंकि उनका इक्विपमेंट फेल हो गया था। और मेनली फेल इसलिए हुआ था कि उसकी डिजाइन इतनी फ्लॉड थी, इतनी खराब डिजाइन थी चाइनीज इक्विपमेंट की, कि जो हिली रीजन था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पर वो चल ही नहीं पाया, बुरी तरह से फेल हो गया। चाइनीज शर्मसार हो गए थे और इतनी शर्मसार हुए थे कि दूसरे जो छोटे छोटे देश थे, रशिया तो बड़ा पावर है, उसे तो अच्छा प्रेजेंटेशन किया ही था, लेकिन छोटे जो देश थे SCO तथा CSTO के, उनका प्रदर्शन भी चीनी सेना से बहुत अच्छा था। तो चीन जानता है कि पहाड़ी लड़ाई वह लड़ नहीं सकता, लद्दाख वाले क्षेत्र में यदि लड़ेगा तो मरेगा, और ये बात सिद्ध भी हुई। हमारे 20 जो जवान थे वह वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन 35 से ज्यादा चीनियों को उन्होंने समाप्त किया, उनको हलाक किया, उनका कत्ल किया। और इसका प्रमाण हम नहीं बोल रहे, हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि हमने बहुत सारे चीनियों को मारा है, लेकिन चाइनीज सोशल मीडिया में उनकी जो कब्रों के फोटोज चल रहे हैं वो तो चाइना में चल रहे हैं, चाइना के लोग प्रश्न कर रहे हैं उनकी सरकार से। तो चीन जानता है लड़ नहीं सकता, गीदड़ भक्कियां भर रहा है, और चीन को हम सजा देंगे, ये बात निश्चित है।